हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनी गुप्ता जी में। आज इस चैनल में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो फर्स्ट टी20 मैच खेला जा रहा है, क्या रहेगी उसकी प्लेइंग 11 और क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम इन दोनों टीमों की ड्रीम 11 टीम। अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि जो भी मैंने अभी वीडियो डालूँ वो आपके साथ सबसे पहले पहुँच सके, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान की ड्रीम 11 टीम। इसमें हम बात करेंगे, और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है कि इस मैच में फ़खर जमान है जो वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो इंजर्ड है और वो कन्फर्म्ड है वो नहीं खेलेंगे। जिन्होंने फ़खर जमान को अपने टीम में रखा हुआ है उन्हें निकाल दे, बाकी टीमों आपको हम चलो वीडियो में बताते हैं। हम चलते हैं न्यूजीलैंड टीम की टीम, यहाँ पर क्रिकेट टीम में, और हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है विकेट कीपर सेक्शन का। विकेट कीपर में ग्लेन फिलिप्स और सरफराज अहमद दोनों ही कन्फर्म्ड है खेलेंगे, और ग्लेन फिलिप्स हैं जो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन कर सकते हैं, वन डाउन कर सकते हैं, और जो टीम सिविट है वो भी खेल सकते हैं, वो एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं। अब ये टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड है कि वो उन्हें खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, पर आपके पास ग्लेन फिलिप्स और सरफराज अहमद बहुत ही अच्छे चॉइस है। पर अगर आपने स्मॉल लीग लगानी है तो आपके लिए ग्लेन फिलिप्स अच्छे ऑप्शन है, और अगर आपने ग्रैंड लीग लगानी है तो आपके लिए सरफराज अहमद भी अच्छे ऑप्शन है। तो आप जिन पे आप डिपेंड करें आप उन पे रख सकते हैं। अब हम स्मॉल लीग की टीम बना रहे तो हम ग्लेन फिलिप्स के साथ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बैटिंग ऑप्शन। बैटिंग ऑप्शन में आपको पता है बाबर आजम खेलेंगे, केन विलियमसन खेलेंगे, कोलिन मुनरो खेलेंगे, शोएब मलिक खेलेंगे, फ़खर जमान नहीं खेलेंगे, आपको फिर बता देता हूँ, इन्हें आप अपनी टीम में नहीं रखना है। इसके अलावा रोज टेलर खेलेंगे, आसिफ अली आपको खेलते हुए देख सकते हैं, और इसके अलावा साहबजादा फरहान जो कि फ़खर जमान की जगह ओपनिंग करेंगे ये भी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमने बाबर आजम को नहीं छोड़ना क्योंकि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के। इसके अलावा केन विलियमसन, इनकी तो फॉर्म की क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। इसके अलावा कोलिन मुनरो जो कि ओपनिंग करते हैं और 3 से 4 ओवर भी डालते हैं, और अगर आप चाहो तो शोएब मलिक को भी रख सकते हैं, ये भी पाकिस्तान की तरफ से 2 डाउन बैटिंग करते हैं, 2 से 3 ओवर डालते हैं, पर इनके बैटिंग आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं और ये कदा ओवर भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप रखना चाहते हैं तो नहीं रखना चाहते हैं। वैसे मैं क्रेडिट मेंटेन करना चाहता हूँ इसलिए तो ये मैंने टीम मैंने इनके साथ नहीं जा रहा हूँ। इनके अलावा मैं सबसे ज़्यादा फरहान के साथ जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान की टीम के साथ ओपनिंग करेंगे। अब आप चाहो तो रोज टेलर के साथ भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम, कोरी एंडरसन और अशरफ, ये सब चारों बैट्समैन खेलते हुए देख सकते हैं। कोलिन डी ग्रैंडहोम और सैंतला जिसको अपनी टीम में नहीं रखना है, इन दोनों ने नहीं खेलना है। और हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या बने हैं। इमाद वसीम जो कि एज अ बॉलर ही है पर ऑलराउंडर में है, पर वो बॉलिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, आपके लिए अच्छी चॉइस होता है। फहीम अशरफ इनसे भी अच्छी ऑप्शन है, आप इनके साथ जा सकते हैं। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर है, इसके लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग एक्शन में देख लिया, बॉलिंग एक्शन में पाकिस्तान के जो सबसे बेस्ट स्पिनर है वो शदाब खान है, इसलिए आपको इन्हें तो बिल्कुल ही छोड़ना है। वह इसी तरह न्यूजीलैंड के बेस्ट स्पिनर ही छोड़ी हैं, आपने इनको भी नहीं छोड़ना। टीम सऊदी है जो वो न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, आप चाहो तो इनको भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होप ऑप्शन है, इसमें हमको लोकी फर्गुसन नहीं खेलते हुए मिलेंगे, एडम मिलने नहीं खेलेंगे, आपको हसन अली खेलते हुए मिल जाएंगे, शतरंज का कोई कन्फर्म नहीं है। इसके अलावा अजहर पटेल है जो न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शाहीन अफरीदी और उस्मान खान, इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, इसलिए हमने रिस्क नहीं लेना है, हमने इन दोनों के साथ नहीं जाना है, हमने न्यूजीलैंड के बॉलर अजय पटेल के साथ जाना है। इसके अलावा हमने शदाब खान इस शोडी को रखना है। यमन की हमारी टीम आपके लिए कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, कोलिन मुनरो हो सकते हैं, बाबर आजम हो सकते हैं, केन विलियमसन हो सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ हो सकते हैं, ये बैटिंग भी करते हैं टॉप ऑर्डर में और बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप किसको बनाना चाहते हैं। चलो हम चलते हैं कैप्टन की तरफ। हमारी टीम में कैप्टन रहेंगे बाबर आजम जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और वाइस कैप्टन कोहली मुनरो बना सकते हैं, आप चाहो तो मोहम्मद हफीज़ बना सकते हैं, कोहली मुनरो बना सकते हैं, ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं। और आप चाहते हैं तो ग्लेन फिलिप्स को भी बना सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है और ये ओपनिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छी चॉइस होता है। मेरी तरफ से तो मोहम्मद हफीज़ वाइस कैप्टन या केन विलियमसन या कोहली मुनरो। अब बन गई हमारी ड्रीम 11 टीम, हम देख लेते हैं। अब आपको दिखा देते हैं अपनी टीम का प्रीव्यू। अब आप चाहो तो किसी को भी कैप्टन रख सकते हैं, आप चाहो तो केन विलियमसन को कैप्टन रख सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस है, आप मोहम्मद हसीब को कैप्टन रख सकते हो। अभी आपके डिमांड है आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना चाहते हो, हमारा काम तो सिर्फ प्लेइंग 11 देना है, प्रो 11 देना है, क्या न्यूज़ है ये देना है। तो आप चाहो तो बाबर आजम तो कैप्टन है ही बहुत अच्छे चॉइस, हम चाहता हूँ आप चाहो तो यही टीम से लगा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन अपने रख लेना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कहना चुनो, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।